अब राग यमन में कीर्तन प्रस्तुत कर रहे हैं। शब्द हैं, बल बल हो तनक तनक कर डारो इन पर, जे रहे निशदिन चरणन नेरे। चतुर बिहारी जी 252 वैष्णव में इनकी वार्ता है। ये आगरा के क्षत्रिय थे, बालपन से ही कवित करते। गोकुल आकर गुसाइन जी से नाम ग्रहण किया, नाम सुनते ही गुसाइन जी का स्वरूप स्फुर्द हुआ। तत्काल आपने एक पद का गान किया, उसके बाद दूसरा पद यह बल बल हो तनक तनक कर डारो इस पद में प्रार्थना की। और गुसाइन जी आज्ञा किए कि का हे चतुर विहारी, काल तुम्हारो निवेदन नवनीत प्रिया जी के सन्निधान में करवाएंगे। चतुरदास जी कह रहे हैं कि गुसाइन जी के सेवकों पर भक्त वृंद पर मैं बल बल बलिहारी जाता हूँ, अपना सर्वस्व न्योछावर करता हूँ। जो सदा गुसाइन जी के चरणों के निकट समीप रहते हैं, आप में अतूट आस्था रखते हैं। ये वैष्णव आपके अंग रूप हैं, जैसे कि हरिवंश जी आपके नेत्र की पुत्री का स्वरूप हैं, उन भक्त वृंद पर चतुर विहारी बलिहारी जाते हैं। गुसाइन जी के जो सेवक हैं, सो श्रुति रूपा गोपी आए के प्रगट भये हैं। वेद की श्रुति है, उनने उग्र परिश्रम पुरुषोत्तम के लिए किया, तब फल स्वरूप रास में पुरुषोत्तम की प्राप्ति भई, तब से ये अखंड संग रहते हैं। जब आप गुसाइन जी रूप होए के भूतल पे पधारे, तब ये भी आकर प्रकट हुए। चीत स्वामी के पद में यह बात प्रसिद्ध है, जे वे गोप वधु ही ब्रज में सो अब वेद रुचा भई जेह। चतुर विहारी कह रहे हैं कि मैं इन भक्तों पर बलिहारी जाता हूं, उन पर मैं अपना रोम रोम न्योछावर करता हूं। वही जीव जीवन से मुक्त हैं जो वल्लभ नंदन गुसाइन जी के चरणों के दास हैं, चेरे हैं। जो श्री गुसाइन जी का स्वरूप वारंवार निहारते हैं, मनोमन उस स्वरूप का ध्यान कर मुस्कुराते हैं, उनकी महिमा मुझसे वर्णी नहीं जाती। भक्त चतुर विहारी श्री विठल नाथ प्रभु से यही विनती करते हैं, चाहे हम कैसे भी हैं, भले बुरे कैसे भी, पर आपके दास समझकर मुझे भी इन दासों की तरह दास समझकर अपनाने की आप कृपा करें। आओ हम इस पद का श्रवण राग यमन में करें, बल बल हो तनक तनक कर दार। Yeah.
राग बागेश्वरी में कृष्णदास जी की रचना को हम श्रवण करें। शब्द हैं जयति नाथ विठल नवल चारु लोचन कमल अमल रस ताहि को सर्वव्यापी। आप इस पद में वर्णन कर रहे हैं कि जो विठल नाथ जी जिनके चारु सुंदर कमल समान लोचन है, नाम रत्नाख्य में भी आपका नाम राजीव लोचन है। वल्लभाख्यान में भी गोपाल दास जी ने वर्णन किया है कि कमल लोचन करुणा भरिया श्री विठल सुखनी रासरे रसना दीथड़े ताप त्रिविध टड़े स्मरण मात्र अघनाश्रे रसना। कमल में जिस प्रकार सदैव प्रफुल्लित रहने का गुण है, साथ में कमल में शीतलता भी है, सुंदरता भी है। उसी प्रकार श्री गुसाइन जी के नेत्र भी भक्तों को शीतलता, कृपा की सुगंध और अलौकिक सुंदरता का बोध कराती है। कमल को देखकर जैसे भ्रमर लालायित होता है, उसी प्रकार आपकी कृपा दृष्टि से जीव मोहित होकर शरणागति स्वीकारता है। आगे कह रहे हैं कि मायावाद को जीतकर उसका खंडन करके दसों दिशाओं में शुद्ध पुष्टि भक्ति ब्रह्मवाद का आपने स्थापन किया। अधिक विजय दस दिशाएं की दो। नाम रत्नाख्य में नाम है मायावाद निराशकृत। मायावाद को निरुत्तर करने वाले आप हैं। कृष्ण लीलैक सर्वस्व, कृष्ण लीला ही आपका सर्वस्व है। कृष्ण भक्ति प्रवर्त काय, कृष्ण की भक्ति को फैलाने वाले हैं आप। शुक वचन भागवत जी में जो श्री कृष्ण को प्रतिपादित किए हैं, उसी कृष्ण ठाकुर जी को आपने घर घर सेवा में पधरा कर जीवों को अभय बनाया और घर घर को आपने नंदालय बनाया।
आप ही ने सभी वर्णों के जीवों का अंगीकार किया है। ये पद का गान हम राग बागेश्री में करेंगे। अब हम इस पद का श्रवण करें। जयति विठ्ठल नाथ नवल चारु लोचन कमल अमल रसताहि को सर्वव्यापी। श्री गुसाई जी की बधाई। राग बागेश्री। जयति नाथ विठ्ठल नवल चारु लोचन कमल। जयति नाथ।
सर्वैष्णवोदय अनुरोध है पुष्टि मार्गीय प्रणाली का परंपरा अनुसार कीर्तन गाय अने कीर्तन सीखे। जय श्री कृष्ण। राग हमीर कल्याण में ये पद भी चित स्वामी जी की रचना है। श्री वल्लभ लाल के गुण गाओ। चित स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं सदा सर्वदा श्री वल्लभ लाल के गुसाइन जी के गुण गाता रहूं। आपके माधुरी मूरत का दर्शन करके आनंद का जहां सदा वास है, कोटि कंदर्प लावण्य मन्मथ के भी काम को हरने वाले मदन मोहन को अपने नैनों में मैं बसा लूं। श्री वल्लभ नंदन आपको जगत वंदन करता है। आप चंदन की तरह शीतलता प्राप्त कराकर जीवों के ताप को हरते हैं। मैं इन्हीं महाप्रभु के चरणों में अपना चित्त लगाता हूँ। चित स्वामी कह रहे हैं कि मन वचन कर्म से यही मेरा परम धर्म है कि मैं लाड़ी लेल को लाड़ लड़ाता रहूं। आपका नाम नाम रत्नाख्य में रघुनाथ जी किए हैं कि कथनीय गुणा करह। आपके गुणगान करने योग्य है। आप गुणों के सागर हो। जिस प्रकार सागर को कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार आपके गुणों की भी कोई सीमा नहीं है। ऐसे गुसाई जी वल्लभ लाल के मैं गुण सदा सर्वदा गाता रहूं। आओ हम इस पद को श्रवण करें। राग हमीर कल्याण में श्री वल्लभ लाल के गुण गाओ। सर्व वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। खूब आनंद नो विषय छे। परम दयालु श्री गुसाई जी प्रभु नो प्रागट्य उत्सव नी सौ प्रथम तो आपने खूब खूब बधाई। अने आपनी सामे श्री गुसाई जी परम दयालु प्रभु नी बधाई नु गान करू छू। तो एमा कीर्तन ना शब्द छे श्री वल्लभ लाल के गुण गाओ। जे हमीर कल्याण मा छे, ताल त्रिताल छे, पखावज पर संगत करे छे मालव बंदर जे मारो सुपुत्र छे। तो आओ आ रसा स्वाद नो आनंद लो।
प्रभु प्रसन्न थाय अने ए राग अष्टसखावे गायो अने दर्शन करवाथी ए नवनीत प्रिय कहवाया कारण के तमे राग बदली अने ताल बदली ने गासो तो ये तो कीर्तन समाज के क्या विशेष समाज हो तो तमे जरूर थी गई सको पर जारे ठाकुर जी ने सन्मुख बेसीने तमे गई रहा छो तो ए राग अने ताल नु मने त्यां सुधी ध्यान राखो कारण के ए नवनीत प्रिय ज कहवासे ए बटर प्रिय कहवासे नहीं तो आ विशेष ध्यान राखी अने मारो खूब ज आपने आग्रह छे के अष्ट सखाओ ने वाणी थी अने एमने जे राग मा गायु अने ए आ परंपराओ ने आप सांभळो गाओ अने एने प्रभु ने लाल लड़ाओ एवी मारी खूब आग्रह भरी विनंती छे शुभम मोहोत श्री कृष्ण। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं गोविंद स्वामी की बानी राग अडाना में। श्री वल्लभ लाड़ी ले हो तिहारे चरण कमल शरण। गोविंद स्वामी जी की ये रचना है, आप हमें बतला रहे हैं हे श्री वल्लभ के लाड़ी ले, हमें आपके चरण कमलों की शरण है। आप तीन लोकों को पवित्र करता जन मन का संताप हरण करने वाले हैं। आपका दर्शन रोम रोम को सुख आनंद प्रदान करने वाला है और आपका स्पर्श समस्त अघ यानी पापों का हरण कर लेता है। सुर नर मुनि आदि के नेत्र चकोर की तरह आपके मुखचंद्र की ओर एक टक ध्यान लगाकर अमृत पान करते रहते हैं, सहज भी विचलित नहीं होते। चित स्वामी ने गाया तेई कछु न संदेह, उसी प्रकार गोविंद स्वामी जी भी यहाँ कह रहे हैं गोविंद प्रभु गोकुलेश जो गोकुल के ईश थे वही आज राजत श्री वल्लभ गृह प्रगट भये श्री विठलेश गोवर्धन धरण। जिन्होंने गोवर्धन धारण किया है
वही नंद नंदन आज गोकुल के ईश शिवल्लभ के गृह प्रकट हुए हैं। आपके चरण कमल के शरण हैं हम। वल्लभ साखी में भी श्री हरिराय जी ने लिखा के तिनके पद युग कमल की चरण रेणु सुखदाय, ही में धारण किए ते सब चिंता मिट जाए। यही भाव गोविंद स्वामी ने इस पद में बतलाया है। शिवल्लभ लाड़ी ले हो तिहारे चरण कमल शरण। आओ इस पद का श्रवण हम राग अड़ाना में करेंगे। श्री वल्लभ राजा।
राग नायकी प्रस्तुत है पद सुघर सहेली मिल आवो गावो मंगल गीत। ये गंगाबाई की रचना है जिसमें छाप हमें प्राप्त होती है श्री विट्ठल गिरधरन। गोपाल दास जी वल्लभाख्यान में वर्णन करते हैं, आ सौभाग्य सुंदरी मलि धवल गाए सुहाए रूड़ा कंठ ना नाद। गंगाबाई भी कह रहे हैं कि हे सुघर सुशील सौभाग्यवती सुंदरी सखियां मिलके आओ और आज के अवसर पर मंगल गीत गाओ, क्योंकि आज जिन्होंने कृष्ण अवतार में गोपियों का यशोदा जी का माखन खाया था, जिन चाख्यो नवनीत, वही कृष्ण वल्लभ के पुत्र के रूप में आज पधारे हैं। आंगन में मोतियों के चौक पुराओ, भीतों को दीवारों को अंदर और बाहर से चित्रित करो, इस बालक को सुगंधित कुमकुम से उपटन कराओ, स्नान कराओ और मांगलिक पीत वस्त्र पहनाओ। परमानंद दास जी ने भी ठाकुर जी की बधाई में वर्णन किया है कि हरदी तेल सुगंध सुवासित लालन उबट नवाओ, पोष असित नौमी को शुभ दिन लगे सरस जहां शीत। पोष कृष्ण नवमी आई है जब हेमंत ऋतु में शीत सुखदाई लग रही है, श्री विट्ठल गिरधारी कृपा निधि बाजे बजाओ जीत। आज आपके प्रागट्य उत्सव में प्रागट्य दिन है, तब आज विजय पताका और बाजे बजाओ और आनंद उत्सव मनाओ। सुघर सहेली मिल आवो गाओ मंगल गीत, आओ हम इस पद का श्रवण राग नायकी में करें। सुघर सहेली सुघर सहेली मिला सुघर सहेली पुत्र भयों श्रीवल्लभ प्रभु के जिन चाहो नवनीत सुघर सहेली आंगन मो आंगन मोतिना सौंधे कुमार कुमार उबट पहरावो पटपीत
सये पौस अशी कर नौमी को शुभ दिन लगे सरस जहां सीत श्री विठल गिरधारी कृपानिधि बाजे बजावो बाजे बजावो जीत सुभर सजे मिला आवो मिला आवो नाव मंगल गीत सुभर सजे नौमी को सुबह दिन लगे सरस जहाँसीत पौस अशीत नौमी को सुबह दिन लगे सरस जहाँसीत श्री विठल गिरधारी कृपानिधि बाजे बजावो बाजे बजावो सुभर सरेली सुभर सरेली सुभर सरेली श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। सभी वैष्णव भगवतियों को मेरा जय श्री कृष्ण। पुष्टि वृंद द्वारा आयोजित श्री कृष्णदास भाई के सुंदर प्रयास स्वरूप श्री गोसाई जी के उत्सव निमित्त अनुपम हवेली संगीत समारोह आयोजित हुआ है। इस प्रयास से सभी वैष्णव सृष्टि को परंपरागत कीर्तन श्रवण का लाभ प्राप्त होगा, जिसके फल स्वरूप मैं कृष्णदास भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पुष्टि मार्गीय भक्ति संगीत, जिसे हम हवेली संगीत भी कहते हैं, यह संगीत अति अद्भुत और दिव्य है। अष्ट सखाओं के द्वारा यह अनुपम संगीत हमें प्राप्त हुआ है। हवेली संगीत में रागों की उपस्थिति में विशेष जोर भाव और शब्द पे दिया जाता है। यह भाव और शब्द प्रधान संगीत है, जिससे प्रभु को रिझाया जाता है, लाड़ लड़ाया जाता है। अष्ट सखा उपरांत उपसखाओं द्वारा तथा अभी तक प्राचीन कीर्तनकारों द्वारा यह परंपरा पद्धति चली आ रही है। यह गुरुमुख विद्या है, इसलिए उन सभी कीर्तनकार जिन्होंने इस परंपरा का जतन किया है, उनके हम सदा ऋणी रहेंगे तथा इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं सभी वैष्णव जनों से अनुरोध करता हूँ कि पुष्टि मार्गीय द्वारा दीक्षित
परंपरा पद्धति से कीर्तन गान करने वाले कीर्तनकारों द्वारा आप ये संगीत सीखें, जिससे ये परंपरा आगे बढ़ सके तथा वैष्णव जन कीर्तन के महत्व को समझकर अपने प्रभु को रिझा सके, लाड़ लड़ा सके। पुनः श्री गुसाई जी के उत्सव की आप सभी वैष्णवजनों को खूब खूब बधाई और मेरा जय श्री कृष्ण। से जो कीर्तन राग और ताल में गाए जाते हैं उसका अनुसरण करके ही अपना वैष्णव धर्म निभावें। जय श्री कृष्ण। चित स्वामी जी की वाणी राग कान्हा में, श्री विठ्ठल प्रभु जगत उद्धारण देखो भूतल आयरी। चित स्वामी जी कह रहे हैं देखो, जगत का उद्धार करने के लिए श्री विठ्ठल प्रभु भूतल पे पधारे हैं।
आप भूतल पे प्रकट होकर भक्तों को तीन स्वरूप से दर्शन देते हैं। आचार्य भाव से ब्रह्म संबंध देते हैं, भक्त भाव से सेवा करते हैं ठाकुर जी की, आप सेवा करी सीखवे श्री हरि, और भगवत भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम रूप से आप दर्शन दे रहे हैं। आपके स्वरूप की सुंदरता का वर्णन कहाँ तक करूं? कोटि कंदर्प लावण्य युक्त आपका श्रीअंग है, अनेक जीवों को आपने कृतार्थ किया, शरण मंत्र यानी नाम निवेदन जीवों को प्राप्त करा के उनका मुख्य कर्तव्य सेवा है, और पुरुषोत्तम को घर घर स्थापित किए। शेष जी सहस्त्र रसना से आपके गुण उच्चार नहीं कर पाते। चित स्वामी जी कह रहे हैं कि प्रेम पूर्व श्री विट्ठल नाथ जी का स्मरण करो, क्योंकि आप प्रीत से प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। प्रीतम प्रीत हीते पहिए, जो गोविंद स्वामी ने कहा है। आओ हम इस पद का श्रवण करें। राग कान्हा में शिव विट्ठल प्रभु जगत उद्धारण देखो भूतल आए। पुष्टि मार्गी परंपरा के अनुसार कीर्तन गाएं और सीखें। प्राचीन काल से जो कीर्तन राग और ताल में गाए जाते हैं उसका अनुसरण करें। अपना वैष्णव धर्म निभाएं। जय श्री कृष्ण। नंददास जी की वाणी हम श्रवण करें।
राग विहाग में। ये मानो आशीष का पद है, जुग जुग राज करो श्री गोकुल, जुग जुग राज करो। नंददास जी कह रहे हैं, हे प्रभु चरण श्री गोसाई जी, आप गोकुल में जुगो जुगो तक राज करो। आपके भजन प्रताप के तेज से ऐसा सुख है कि एक क्षण भी इधर उधर नहीं होता। महाप्रभु के पवित्र व पुण्य रूप के दर्शन मात्र से ही पतित जीवों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवों की जड़ता को नष्ट करके चेतना की गति को संचारित किया, यह बात जगत जानता है। 252 की वार्ता में हतित पतित की वार्ता आती है। हतित पतित का एक तात्पर्य देखें तो हतित यानी तिरस्कृत किए हुए, पतित यानी भ्रष्ट हुए, यानी अपने मार्ग से भटके हुए जीवों के भी आप उद्धारक हैं। पतित यानी सिर्फ हत्यारा ही नहीं, भक्ति मार्ग से विरुद्ध धर्माचरण करने से भी पतित हम हो जाते हैं। पुष्टि भक्ति विरुद्ध जो धर्माचरण जीव, उसका निराकरण नाश आप महाप्रभु गोसाई जी करते हैं। पतित जीवों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवों की जड़ता को नष्ट करके चेतन की गति को संचारित किया, यह बात जगत प्रसिद्ध है। वे विश्व का कल्याण क्यों नहीं करेंगे? आपने श्री वल्लभ कुल में जन्म लिया है। जैसे सूर्य के उदय होते ही मकरंद कमल में भर गया हो। नंददास जी कहते हैं कि मैंने प्रभु के सद्गुण से संपन्न श्री विट्ठलेश का वरण प्राप्त कर लिया है। जुग जुग राज करो श्री गोकुल, जुग जुग राज करो। आओ हम इस पद का श्रवण राग विहाग में करें, ये मानो की एक आशीष है।
नमस्कार, आप सब पुष्टि मार्गीय कीर्तन प्रणाली प्रमाणे कीर्तन गाओ अने सीखो। जय श्री कृष्ण। समस्त आचार्य कुल परिवार के अनुग्रह से यह मनोरथ संपन्न हुआ है। सभी कीर्तनिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं पुष्टिवृंद के क्लास के सभी वैष्णवों का भी मैं बहुत आभारी हूँ। आप सभी ने तन मन धन से जो सहयोग प्रदान किया है वह अविस्मरणीय है। पुष्टिवृंद के माध्यम से ऐसे ही मधुर और अलौकिक मनोरथ होते रहे, यही शिवल्लभ के चरणों में अभ्यर्थना है। शिवल्लभाधीशी